रिव्यूइंग इन्फॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो कि बच्चे हर दफा चैप्टर नंबर वन से जब भी वो वाल आता है जी मैंने पढ़ना है चैप्टर नंबर वन से दोबारा शुरू कर देते हैं या जो टॉपिक्स पहले आते हैं उन्हीं को बार बार दोबारा वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे। हमेशा आप ये अगर तो आपको चीजें आती हैं ऑलरेडी उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ इन योरसेल्फ राइट। हाँ जो आपकी आपके जो वीक एरियाज हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना है। अब एग्जाम में जो आपकी किसी भी स्टेज पे अगर आप एनालाइज करें अपनी प्रेपरेशन को एंट्री टेस्ट के हवाले से तो एग्जाम में आपके पास तीन तरह के एरियाज होते हैं। तीन तरह के एरियाज कौन कौन से होते हैं कि लाइक एक वो टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े भी हैं और आपको आते भी हैं, एक वो टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको भी अच्छी तरह से आते नहीं है, और एक वो टॉपिक्स हैं जो ना आपने पढ़े हैं और ना आपको आते हैं। आपने क्या करना है वो टॉपिक्स अल्टीमेटली जो आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े जो आपको नहीं आते आपने उन पर ज्यादा फोकस करना है राइट। सो दिस इज द की थिंग। सो जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है बार बार उनको करने का एग्जाम में आपको फायदा नहीं होगा।